हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। टेक्निकल सर्व चैनल च तुहाडा स्वागत है। अज मैं पंजाब जेल बॉर्डर की जिहड़ी पोस्टां आ चुकियां ने उन्हां दी चोण प्रक्रिया की है, चोण विधि की है, की प्रोसैस होएगा इहदा, उस बारे मैं डिस्कशन करन जा रहा तुहाडे नाल। इहदी इनफॉर्मेशन सारी तुहानूं देऊंगा ते वीडियो नूं सारी तुसीं जरूर देखियो, ते जे वधिया लगे ते इस नूं चैनल नूं सबसक्राइब भी करियो, लाइक भी करियो, शेयर भी जरूर करियो। ते तुसी साडे चैनल ते फस्ट टाइम आए हो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो ते बैल आइकन भी जरूर दबा लो। इहदे नाल आउण वाले समें दे विच वी जो असीं वीडियो अपलोड करांगे इस रिलेटड जां कोई होर इनफॉर्मेशन तां उस बारे भी मैं जानकारी दिंदा रहूँगा। तां लास्ट वाला ऑफिशियल जरूर तुसीं देखियो, पंजाब पुलिस भर्ती जेल वार्डर दी, इहदे च सारी इनफॉर्मेशन दित्ती है कि की इहदा प्रोसैस है। बट हुण मैं अज सिलैक्शन प्रोसैस दस रहा वा, जिहड़ी इहनां दी ऑफिशियल वैबसाइट तों ही मैं लिया है नोटिफिकेशन। तो उद्देशों तुम चोण विधि इतने देख रहे हो भी चोण विधि किस तरह होएगी। चोण विधि ये तीन पार्ट होणगे। एम सी क्यू का पहला थोड़ा पेपर होएगा। एम सी क्यू मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होणगे, जिहड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा। तो ये कि योग उम्मीदवार की चोण करने लिए लिखती प्रीख्या विच प्राप्त अंकों के आधार पर ही सांझी मैरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि मैरिट फिर बनेगी जो थोड़ा लिखती पेपर होया, तो जी मैरिट बननी है वो किन्ने तुम्हें घट्टो घट मार्क्स चाहिए है। घट्टो घट वो 40% 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है हरेक वर्ग लिए। मतलब कि एस सी बी सी किसी कोई छूट नहीं है, 40% थोड़े मार्क्स होने जरूरी है। तो लिखती प्रीख्या जेकर मैरिट की प्राप्तता ये वाला है दसिया जा रहा है कि जे तुम किसी कारण मतलब कि बराबर अंक आ जाते हैं तो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग जो मैरिट मैरिट के नंबर के आधार पर वो चोण की जाऊगी। तो जोड़ा नैक्सट सैशन ये दिता गया है, नैक्सट सैशन के चीज़ है कि जिमें हम मैं तुम्हें दस चुकिया वा कि एम सी क्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होएगा। जो पेपर होया उस मैरिट के आधार पर असामिया का 3 गुणा, मतलब कि उस तो जिन्हिया असामिया हो गया उस 3 गुणा शरीरक माप टैसट और शरीरक योग्यता टैसट लिए सद्या जाएगा। मतलब कि जिन्हिया असामिया के 3 गुणा मतलब कि उम्मीदवार इस चीज़ लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि शरीरक माप टैसट से शरीरक योग्यता टैसट लिए सद्या जाएगा। जो शरीरक माप टैसट से शरीरक योग्यता टैसट में योग पाए गए उम्मीदवार हर तरह के दस्तावेज की पड़ताल वेरीफिकेशन काउंसलिंग लिए बुलाया जाएगा। पहला तुहाडा देखो इतने चीज़ नोट करने वाली है, पहला तो लिखती पेपर होना है ये, ठीक है जी। दूसरा नंबर तो शरीरक माप टैसट होना है, जिमें कि लोंग जंप, हाई जंप, हाइट वगैरह सारा थोड़ा ये टैसट वगैरह होएगा। जो टैसट होने तो बाद फिर तुम्हें काउंसलिंग लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग दे की है कि काउंसलिंग दे तो मतलब कि जिन्हें भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे चैक किए जाएंगे। तो जोड़ा योग उम्मीदवार पाया जाएगा तो वो सिलैक्शन होएगी। तो हुण आपां गल करते हैं एम सी क्यू। एम सी क्यू का मैं तुहानूं पहले दस दूं कि मल्टी क्वेश्चन हैगे आ, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा लिखती पेपर। तो लिखती पेपर का हुण इत्थे आपां गल करते हैं कि लिखती पेपर किवें होना है। ऑनलाइन प्रतिनिधियां सप्ताह पूर्व सबमिट करना उम्मीदवार लिखती प्रीख्या लई बोर्ड की वैबसाइट पर ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड तुहानूं इत्थों ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जिहड़ी इस वैबसाइट पर ssbpunjab.gov.in की साइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो जिहड़ा इहदा सिलेबस है अजे तक वैबसाइट के उपर अपलोड नहीं किया गया, बट जल्दी इस पर अपलोड किया जाएगा। जदों ही अपलोड होंदा है मैं सिलेबस के बारे भी तुहानूं सारा जिहड़ा लिखती प्रीख्या होनी है वह सिलेबस जिहड़ा है वह सारा मैं तुहानूं अपलोड होएगा, तो फिर मैं सारी इनफॉर्मेशन उस बारे तुहानूं दसूँगा। फिलहाल इत्थों तक है कि तुहाडे 3 पार्ट इहदे विच है, लिखती पेपर, शरीरक मापली और तीसरा काउंसलिंग होएगी। तो जे तुहानूं वीडियो वधिया लगी है तो इस नूं वध तों वध इस नूं शेयर करो, लाइक कर दिओ, कमेंट बॉक्स में इस रिलेटड कुछ पूछना होवे तुसीं पूछ सकते हो। तो जल्दी मैं नैक्सट वीडियो बनाऊँगा तुहाडे वास्ते कि फॉर्म तुसीं किवें फिल करना है। तो साडी वीडियो नूं देखण लई थैंक्स। नैक्सट वीडियो तक बाय।